क्वेश्चन नंबर 42 सब्सक्रिप्शन। तो अगर अपन लेके चले तो हम क्वेश्चन नंबर 42 पे हैं, तो और एनपीओ के क्वेश्चन नंबर कौन से 42 के बारे में बातचीत करेंगे अपन लोग सिस्टमेटिक तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के बारे में। आपको जो स्टेप वन सिखा के रखी है कभी मैंने आपको बोल रखी है कि एक तरफ क्या बना दो बैलेंस शीट। तो मैं इस तरफ जगह बनाता हूँ किसकी बैलेंस शीट की अगर अपन देखे तो, और एक तरफ ओपनिंग बैलेंस शीट रहेगी और एक तरफ क्या रहेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट। और समझो कि आप इसको ले लो ओपनिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। इसी के जो नीचे वाला पार्ट रहेगा वो किसका रहेगा क्लोजिंग बैलेंस शीट। ये कौन सी बैलेंस शीट हो गई आपके पास क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है ना। और यहाँ पे आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करें, तो यहाँ पे अगर अपन बात करें सिस्टमेटिक तरीके से तो अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर बहुत पर्टिकुलरली देखें तो कहीं ना कहीं इस तरफ इनकम लिखी जाती है और इस तरफ क्या लिखा जाता है एक्सपेंडिचर्स, ठीक है ना। सर स्टेप वन की ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ओपनिंग कैश ही कितना है चेक करो कितना मुझे दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 42 में ओपनिंग कैश है 1.5 लाख और क्लोजिंग कैश कितना है ओपनिंग कैश 1.5 लाख और क्लोजिंग कैश कितना है 34,000। तो ओपनिंग कैश कितना है 1.5 लाख और क्लोजिंग कैश कितना है तुम्हारे पास 34,000। सर ठीक है अच्छी बात है। अब अगर आपसे मैंने अब सेकंड बात बोली थी सीधे अटैक कर लेना सब्सक्रिप्शन, तो आप क्या करोगे बाय सब्सक्रिप्शन। बाय व्हाट बाय सब्सक्रिप्शन अगर अपन लेके चले तो सर इसमें अपन हाथों हाथ लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट व्हाट बिगिनिंग, ठीक है ना। फिर अपन क्या करते हैं प्लस एडवांस एट बिगिनिंग माइनस व्हाट एडवांस एट एंड। सर ये भी ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन कुल मिला के आया है आपके पास 350 प्लस 60। 350 प्लस कितना 60 पिछले साल का, मतलब टोटल सब्सक्रिप्शन आपके पास 410,000 आया है। अगर मैं आपसे बोलूं इसमें से पता नहीं क्यों पहली एडजस्टमेंट लिखोगे तो आपको बोला है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। तो 31 मार्च के दिन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग मतलब आउटस्टैंडिंग एट क्या है एंड, आउटस्टैंडिंग एट क्या है एंड, तो वो कितना गिवन है एडजस्टमेंट में 55,000। और अगर आप सब्सक्रिप्शन की शक्ल देखो तो 19-20 का कितना है 60,000। ऊपर देखो 19-20 का कितना है मतलब 19-20 का कितना है 60,000, मतलब वो पिछले साल का बकाया होगा। सर क्या और कोई चीज गिवन है क्या सब्सक्रिप्शन के बारे में? तो आंसर इज नो, और कोई चीज सब्सक्रिप्शन के बारे में गिवन नहीं है। और क्योंकि सब्सक्रिप्शन के बारे में कुछ और गिवन नहीं है तो 55 माइनस 60 यहाँ पे नेट आ जाएगा आपके पास 405,000। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यहाँ पे आता है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग यहाँ पे आएगा जो कि है 55,000 जो कि 60,000, ठीक है ना। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड वो कितना है आपके पास 55,000। सर क्या इसको भी ठिकाने लगा दिया? यस। स्टेप वन थी कैश, स्टेप टू क्या था आपके पास? स्टेप टू था कहीं ना कहीं आपके पास क्या सब्सक्रिप्शन। स्टेप थ्री क्या होती है? तो सर स्टेप थ्री पे अगर अपन बात करें स्टेप थ्री है एडजस्टमेंट। बताओ आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी के बने 40,000। तो आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी आपके पास 40,000। तो अगर यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरीज ले ले तो कितनी आ जाएगी 40,000। जब इधर खर्चों में सैलरीज ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? चले तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना हो गया तुम्हारे पास 40,000, यहाँ पे क्या हो जाएंगी ऐड। आउटस्टैंडिंग सैलरी तो ऐसे भी क्लास 11 में भी क्या ऐड, ठीक है ना। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी होगी तुम्हारे पास 40,000। डेप्रिशिएट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाय 25%। पहले चेक कर लो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपने खरीदे कितने। तो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अगर आप बुक में देखोगे
अगर आप एक्सपेंसेस साइड में, तो आपने स्पोर्ट्स इक्विपमेंट खरीदे हैं 3,40,000 के, जिसको आप डेप्रिशिएट करोगे अगर 25% से, तो कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो शायद 85,000 आ जाएगा, शायद 85,000 यहाँ से माइनस हो जाएंगे। तो 3,40,000 में से अगर 85,000 माइनस हो गए तो मेरे ख्याल से यहाँ पर बच जाएंगे 2,55,000, और यहाँ पे आ जाएगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कितना 85,000, ठीक है ना सर। एडजस्टमेंट खत्म हो चुकी है, अब आपका बोलता है अटैक किस पे, रिसिप्ट पे। तो मेरा जो नेक्स्ट अटैक है रिसिप्ट पे, तो बाय रिसिप्ट में आपको क्या गिवन है सर, डोनेशंस गिवन है और एंट्रेंस फीस गिवन है। एक तो डोनेशन गिवन है सर, डोनेशन कितना है आपके पास, डोनेशन है आपके पास कितना 50,000, और एंट्रेंस फीस कितनी है आपके पास। तो सर अगर अपन एंट्रेंस फीस के बारे में बात करें तो एक बार देखते हैं, चलें तो अगर अपन देखें तो बाय यहां पे आ जाएगा एंट्रेंस फीस, अगर मैं देखूं तो 80,000 रुपए, और एक प्रकार से यहाँ का टोटल भी आ गया शायद मेरे ख्याल से 5,35,000 रुपए। अगर अपन बात करें सिस्टमेटिकली तो सैलरीज एंड वेजेस 1.6 गिवन थी, तो 1.6 प्लस 40 कितना आ गया 2 लैक्स। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आ जाएंगे आपके पास ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस कितने हैं आपके पास अगर अपन लिखे तो आ जाएंगे 35,000। देन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे डिडक्शन ऑलरेडी लगा चुके हैं, तो वो तो अपना एसेट था। फिर आपके पास टेलीफोन चार्जेस हैं बुक में, तो सर अगर टेलीफोन चार्जेस के बारे में देखें तो कितना आपके पास 24,000। देन नेक्स्ट कौन से चार्जेस है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, वो कितने हो गए इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अगर अपन देखें तो शायद 32,000। देन अगर अपन बात करें उसके बाद ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, वो कितने हैं आपके पास, कितने 65। तो सर अगर इन सबको ऐड करें, चेक करो कि यहाँ पे अल्टीमेटली आपके पास सरप्लस कितना आएगा, क्योंकि ये तो 65,000 है। तो सरप्लस चेक करो, चलो क्वेश्चन नंबर 45 के लिए सबसे पहले बनाओ। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर क्या है अपने पास 45, सर आप चाहते क्या हो, क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर अगर अपन बात करें तो सर सब स्टेप वन आपके पास क्या है, मैं स्टेप बाय स्टेप चलूंगा। अगर आप लोग बोलोगे तो इस तरह पहले पूरी बैलेंस शीट बना दो, तो सर बैलेंस शीट का लॉजिक क्या है अगर मैं बात करूं तो सिस्टमेटिकली, अगर मैं बात करूं बैलेंस शीट का लॉजिक, तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लो पहले अच्छे से, बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाओगे तभी गेम को आगे चला पाएंगे दोस्तों। ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट दोनों का फॉर्मेट बना लो, और सबसे पहले आप लोगों को ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग कैश डालिए। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग कैश, सर देखिए स्टेप वन तो यही होती है, ये ओपनिंग बैलेंस शीट है और इसी के जस्ट नीचे मैंने क्या बनानी है क्लोजिंग बैलेंस शीट। सर ओपनिंग कैश बैलेंस ब्रॉट डाउन से मिलता है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैरेट डाउन से मिलता है, साथ में चलें तो बैलेंस ब्रॉट डाउन है 32,500 और बैलेंस कैरेट डाउन है आपके पास 27,000। सर इसके बाद सीधे हम लोग अटैक करेंगे सब्सक्रिप्शन पे, जिसमें मेरी पहली एडजस्टमेंट बोल रही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2018, मतलब वो ईयर एंड है
अगर मैं बात करूं कि अपन फर्स्ट एडजस्टमेंट के बारे में बात करें, तो जो पहली एडजस्टमेंट बोल रही है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन एज ऑन, तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट एंड कितना गिवन है आपको बैलेंस शीट के हिसाब से, तो अगर अपन बात करें तो वो दिया हुआ है 16,200। क्या इसका इफेक्ट आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर में भी आएगा? यस। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर से ही एक बात मालूम पड़ रही है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एट बिगिनिंग जो पिछले साल का पैसा आया था, अगर ऊपर रिसिप्ट एंड पेमेंट की तरफ देखोगे तो आ जाएगा 1500, और एडवांस सब्सक्रिप्शन अगले साल के लिए जो आया है जिसको अपन बोलते हैं माई हार्ट इज बीटिंग बोलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपका है 1800 रुपए। एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट एंड। सर इन सब का हिसाब किताब हमको आप पीएनएल में करके दिखाओ। तो मैंने बोला देखो अगर अपन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाए तो मेरा जो सबसे ज्यादा अधिकार होगा या आपको समझाने का तरीका होगा वो इनकम वाले साइड में जाते से ही क्या लिखना है अपने को, बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखना है? बाय सब्सक्रिप्शन प्लस, बाय सब्सक्रिप्शन प्लस आउटस्टैंडिंग एट एंड माइनस आउटस्टैंडिंग एट बिगनिंग प्लस एडवांस एट बिगनिंग माइनस एडवांस एट एंड। ये एंड, ये बिगनिंग, अगर मैं बात करूं ये बिगनिंग और ये कितना एंड। तो क्या सर ये बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हैं? मैंने बोला हाँ, ये बातें इनकम एंड एक्सपेंडिचर की हैं। दोस्तों सब्सक्रिप्शन टोटल कुल मिला कितना आया? 63,300। इसमें से माय हार्ट इज बीटिंग सबसे आखिरी वाला कितना था? 1800। आउटस्टैंडिंग एट बिगिनिंग कितना था? 1500। आउटस्टैंडिंग एट एंड गिवन कितना है? 16,200। तो अगर सर आपने सब्सक्रिप्शन को लगा दिया ठिकाने तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं, इजी हो जाती हैं। एडजस्टमेंट में स्टिल इन अरियर फॉर 16-17-1200 का सब्सक्रिप्शन स्टिल इन अरियर है। मतलब अगर अपन बात करें देखो उसके लिए दो चीजें कर सकते हो कि फिर आप आउटस्टैंडिंग एंड बिगनिंग में 1200 इधर भी ऐड कर दो इधर भी ऐड कर दो। इसका मतलब क्या कि पिछले साल की कितना है? 1500 आए, पिछले आए कितने? 1500, लेकिन 1200 बाकी है, तो पिछले साल बाकी कितने रहे होंगे? 2700। 2700 में से कितने आ गए? 1200। और आपको आउटस्टैंडिंग एट एंड तो ऑलरेडी गिवन ही है पूरा कैलकुलेट करके, ये 16200 ही रहेगा। इसका मतलब पिछले साल का पैसा आया कितना? 1500। और एडजस्टमेंट में बोल रहे हैं 1200 स्टिल इन अरियर, 1200 स्टिल इन अरियर। इसका मतलब क्या? 1200 स्टिल इन अरियर का मतलब 1200 पिछले साल के अभी भी बाकी है। मतलब अगर कोई बच्चा बोले सर आपको 1500 रुपए ला के दे तो दिए, 1200 और बाकी, इसका मतलब क्या सर मेरे 2700 रुपए बकाया थे पिछले साल? हाँ, तूने 1500 दे दिए और 1200 पिछले साल के और बाकी, तो पिछले साल के टोटल बाकी कितने रहे होंगे? 2700। गॉट इट यहाँ तक? तो अगर अपन इसको चलें या लेके चलें अच्छे से, तो यहाँ पे टोटल मतलब मेरे ख्याल से यहाँ पे कितना 2700 और 1800 मतलब 4500 माइनस कर दो, टोटल दो कितना रहा है? अगर मैं देखो तो चेक करके देखो, शायद 75,000 की 75,100 नहीं आएगा, एक मिनट